हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उस फार्मूले का ग्रुप कौन सा है और एमएस ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस फार्मूला को यूज करना और उस फार्मूला को, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे है इंट, INT, इंट INT। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट के लिए हमारा नेम ऑफ द फॉर्मूला है INT इंट। मैथ्स ग्रुप का पार्ट है। एमएस ऑफिस के ये सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें, इट राउंड्स ए नंबर डाउन डाउन साइड टू द नियरेस्ट इंटीजर। मीन्स ये किसी भी नंबर को डाउन साइड में नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ कर देता है। सिंटेक्स ऑफ फॉर्मूला, एक कंपलसरी आर्गुमेंट है, इक्वल टू इंट INT और नंबर, इक्वल टू इंट और नंबर, ये इसका आर्गुमेंट है। और डिस्कस करते हैं इक्वल टू INT। यहां पर हम लोग देखते हैं राउंड से नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, और जो कंपलसरी आर्गुमेंट है इसका वो है नंबर। नंबर इज द रियल नंबर, यू वॉन्ट टू राउंड डाउन टू द इंटीजर। ये इसका डिटेल्स है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है। लाइक सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल में हम डायरेक्ट इनपुट मेथड के थ्रू इसको यूज करके देख रहे हैं, इक्वल टू INT। ठीक है, कोई भी नंबर हम लोग लिख देते हैं, सपोज 2578। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा हम लोग देखते हैं, 88 एंटर। तो इसने क्या किया, 0.578 जो मीन्स डेसिमल वाला पार्ट था, राउंड ऑफ करने के लिए उसको रिमूव कर दिया। और डाउन साइड में मीन्स यहां पर हम लोग कह सकते थे ये 23 की तरफ राउंड ऑफ करेगा, बट क्योंकि फॉर्मूले की नेचर इस तरीके का, ये डाउन साइड ही करेगा। तो 22.578 को इन्हें राउंड ऑफ करके रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वल टू 22। ठीक है, तो ये डाउन साइड में राउंड ऑफ कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, INT। अब मैं सेल रेफरेंस मेथड के थ्रू इसको यूज कर रहा हूँ, 11454.28 है। ठीक है, तो ये देखिए हमारी आउटपुट को 11454 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा। मीन्स जितने भी डेसिमल के बाद वाले पार्ट हैं या डेसिमल से आगे का पार्ट है उनको राउंड ऑफ करके खत्म कर देगा और केवल जो इंटीजर है रिमेनिंग पार्ट जाएगा। एक यहां पर हमें याद रखना कि ये डाउन साइड कर रहा है, जो ये राउंड करेगा वो डाउन साइड करेगा। ठीक है, चाहे कोई भी डिजिट हो। रिमेनिंग एग्जाम्पल्स को हम लोग कॉपी करके चेक कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसने 2 11 3 इस तरीके से ये राउंड ऑफ करता जा रहा है। ठीक है, आगे के सभी पार्ट्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, यहां पर हम लोग देखते हैं 55615, इवन यहां पर 9.9999 है, तो अभी इसने डाउन साइड में राउंड ऑफ करते हुए केवल एक सिंगल इंटीजर मीन्स 9 ही हमें रिटर्न किया है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं अपनी फिगर्स को राउंड ऑफ करने के लिए। तो ये था हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे, इंट INT, इंट INT। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।